आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेज आपने देखे हैं उनकी रियालिटी चेक क्या है तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है कॉलिंग के लिए नंबर दिया है जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं So welcome back to this episode this is me arshi and before starting this specific uh, you know topic main fir if you're looking for colleges for various specialization

कई सारे पैरामीटर्स होते हैं आपकी आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखते हो स्पेशलाइजेशन का क्या स्कोप है आपकी इंटरेस्ट और स्किल्स कहाँ लाए करती है जिस डोमेन में सेक्टर्स में आपको जॉब करनी पड़ेगी उस स्पेशलाइजेशन में क्या आप उसके साथ काम कर सकते हो बिकॉज ऑन डेली बेसिस आए इन फैक्ट विद स्टूडेंट्स हु से दैट यू नो मुझे इस कॉलेज से रूरल मैनेजमेंट के लिए कॉल आया है और अच्छे इस कॉलेज से हेल्थ केयर में आया है बट आई जस्ट वॉन्टेड टू गो फॉर स्पेशलाइजेशन बिकॉज कॉलेज मुझे अच्छा मिल रहा है आई एम नॉट वेरी कीन तो आई स्पेसिफाई देम दैट अगर आप रूलर प्लान कर रहे हो या लेट्स से हेल्थ केयर प्लान कर रहे हो तो आपको ये समझना पड़ेगा देर आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जिनके पास तीन चार साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होता है एंड दे बेसिकली कम टू स्विच देर इंडस्ट्री सो एम बी ए करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको रूरल में जिस एरिए में काम करना है आपको पसंद नहीं आए तो आपको स्विच करना ना पड़ जाए तो बी वेरी स्पेसिफिक एट द टाइम ऑफ चूजिंग स्पेशलाइजेशन प्रैक्टिकल चेंजेस अपर्चुनिटी इन ईच फील्ड अलाइंस स्पेशन चॉइस विद पर्सनल इंटरेस्ट करियर गोल्स इंडस्ट्री ट्रेंड्स अक्सेस एंड अडेप्टियर पाथ बेस्ड ऑनवॉल्व मार्केट डिमांडर फाइनेशियल एम बी ए स्पेशन सबसे पहली चीज़ है दैट इज वन ऑफ द वीन प्रोफाइल दैट्स कंसल्टिंग तो रोल जो प्रोवाइड किया जाता है अगर हम कंसल्टिंग की बात करें तो यहाँ पे आप बिजनेसिस को एडवाइज कर रहे होते हो बिजनेस डिसीजन या वेरियस एस्पेक्ट्स पे जैसे कि फर एग्जाम्पल एक कंसल्टिंग कंपनी है और एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके सारे प्लांट्स चल रहे हैं बट एक स्पेसिफिक लोकेशन में जो उनका प्लांट है वो काम नहीं कर रहा है, so so जो है वो रिसर्च करेगी एंड वो रिपोर्ट देगी तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट में कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज को उनकी चीजों को लेकर कंसल्ट कर रहे होते हैं सो so दिन अच्छी अच्छी कंपनीज हैं बेन कंपनी मेक इन सी आर द ड्रीम कंपनीज जो कि हर किसी कॉलेज में नहीं आते हैं यू गेट ऑल दीज कंपनीज इन द टियर वन कैटेगरी कॉलेज ओनली टियर टू टियर थ्री में कंपनीज लाइक डलॉइट ईवाई राइट, के पी एम जी कंसल्टिंग में तो ऐसी कई सारी कंपनी डब्ल्यू सी ये कंपनीज आती हैं और ये कंपनीज क्या है कई सारे कंसल्टिंग फर्म्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम कर रही होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल जो एमपी का का यू नो स्टार्टअप वाला सेंटर है उसमें जो uh, जब मैं लास्ट आई चेक जो कंसल्टिंग फर्म थी दैट इज पी जो स्मार्ट सिटी भोपाल है उसकी जो पहले कंसल्टिंग फर्म थी दैट वॉज डिलोइ सो दैट्स हाउ दे बेसिकली कंसल्ट बेसिकलीसल्ट दिजनेस एंड स्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन और थिंकिंग जो है वो बहुत है। कंसल्टिंग uh, में जब भी कंपनीज हायर कर रही होती हैं वो एक होलिस्टिक प्रोफाइल देख रही होती हैं। दे डोंट वांट पीपल या सिर्फ आप मार्केटिंग में अच्छे हो या सिर्फ आप फाइनेंस में बिकॉज यू जिनको आपको कंसल्ट करना है आपका अकेडमिक आप प्रोएक्टिव you know, हो आप हर चीज में कैसे इनपुट देते हो आप कितना ईगर टू लर्न हो स रोल क्या है पैसे को मैनेज करना इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करना और फाइनेंशियल प्लानिंग करना दैट इज द रोल बट वेन इट कम्स टू फाइनेंस एंड दिस इज वन ऑफ दोस्ट टॉप प्रोफाइल जिसमें पैकेजेसा हाई रहते हैं स्किल

I mean, I've seen a lot of people's, जो जिनका वर्किंग आवर्स जो है वो रहता है आठ घंटे का है बट वो हो सकता है सिर्फ दिन में एक से दो घंटे काम कर रहे होते हो बिकॉज जिसको ये इंडस्ट्री टैप समझ में आ गया उसको बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है इनिशियली फिर फ्रेशर आप एग्जेक लेवल पे स्टार्ट करते हो बट यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है मार्केटिंग इज नॉट ओनली अबाउट सेल्स

सो रोल डेवलप एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजीज टू प्रमोट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज स्किल क्रिएटिविटी कम्युनिकेशन मार्केट रिसर्च फ्यूचर प्रस्पेक्ट्स की बात करें करियर पाथ एंड एडवरटाइजिंग ब्रांडिंग डिजिटल मार्केटिंग राइट डिजिटल फील्ड घूम कर रही है आजकल यू नो कंपनीज जो हैं मीडिया इंस्टाग्राम आई गिवी स्मॉल एग्जाम्पल आई वॉट ऑफ शार्क टैंकोड जहाँ पे जितने भी ब्रांड जो बड़े हुए हैं दे बिकम बेग नॉट बिक की वो कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं या फिर वो ऑफलाइन सेल्स uh, कर रहे हैं दे आर यू नो ट्राइंग टू डू सेल्स थ्रू इंस्टाग्राम रील्स बाय क्रिएटिंग स्टोरीज अराउंड द ब्रांड दे आर वर्किंग ऑन परफॉर्मेंस मार्केटिंग जिसके थ्रू वो सेल्स कर रहे हैं तो इन फ्यूचर जो

प्रोडक्ट मैनेजमेंट विच इज पी एम टेक रोल ओवरसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग स्किल्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मार्केट एनालिस लीडरशिप फ्यूचर एस्पेक्ट्स की बात करें ग्रोइंग डिमांड है टेक कंपनीज में स्पेशली और रियालिटी की बात करें बैलेंसिंग टेक्निकल एंड बिजनेस एक्सपेक्ट चैलेंजिंग या रिवॉर्डिंग रोल

लोड ऑफ वेयर यू नो फॉर्म्स रहते हैं उन क्वेरीज पे कॉल जाना तो ये पूरा कंप्लीट साइकिल है और इसको जो मैनेज कर रहे होते हैं दैट इज आइर जनरल मैनेजमेंट बट अगर हम इसको बहुत स्पेसिफिक करें तो दैट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता स्किल्स uh, में लीडरशिप डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए uh, मैं ऑपरेशन के टाइम को आपको तो अपनी कंपनी का लाइव एग्जाम्पल से समझाऊंगी

ऑटोमेट करते हैं वी गेट इन टू थ्रू सी आर एम देन सी आर एम में भी यू नो काफ़ी सारी चीज़ें मैनुअल थी सजेशन की हम इसको ऐसे और ऑटोमेट कर सकते हैं ऐसे कर सकते हैं सो ऑपरेशन इज नॉट ओनली अबाउट कि आप डे टू डे टास्क को मैनेज कर रहे हो बट इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हो कंपनी की प्रोसेस को और जहाँ आपको लग रहा है दूस सिस्टम के थ्रू या फिर चीजों के थ्रू ऑटोमेट किया जा सकता है आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके सोल्यूशन की तरफ आप काम कर रहे होते हो ताकि आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी हो और जो प्रोसेस है उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रोल मैनेज एंड ऑप्टोमाइज बिजनेस ऑपरेशन स्किल प्रोसेस इंप्रूवमेंट दैट इज मेन थिंग वट ऑपरेशन हैज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को इम्प्रूव कर रहे होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट डेटा एनालिसिस जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डेटा एनालिसिस जैसे कि कस्टमर्स आ रहे हैं उनकी ये नीड है उस डेटा के हिसाब से रियालिटीसीडक्शनिंगस प्रोसेस सो येस देन बोनस एंड अर्निंग पोटेंशियल वन टाइम कॉम्पोनेंट मिलता है मेजरली जो बड़े बड़े पैकेजेस होते हैं जहाँ चौदह पंद्रह लाख बीस लाख देख रहे होते हो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको पूरा है वो सी टी सी मिल रहा है इट्स उसमें कुछ ज्वाइनिंग बोनस होता है उसमें कुछ यू uh, नो you know, uh, कुछ साल के बाद आपको शुरू में मिलता है कुछ सालों अगर आप रुकते हो तो मिलता है तो ज्वाइनिंग बोनस पी पी ए बोनस कैन इन्फ्लेट सी टी सी फिगर कंसिडर लॉन्ग टर्म अर्निंग्स पोटेंशियल बियॉन्ड वन टाइम बोनसेज कंसिडरेशन ऑफ टोटल अर्निंग पोटेंशियल लुक फॉर बैलेंस फिक्स इनकम फिक्स कंपोन क्या है देखो पोटेंशियल एंड वन टाइम फॉर फॉर अ रियलिस्ट अ रियलिस्टिक आउटलुक Evaluate job satisfaction, growth opportunities, work-life balance alongside financial rewards. So that's all about this episode. Kesa Laga, let me know in the comment section below. Like, share, and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.